Subscribe and click the bell icon for all the television updates. देखिए, मैं हमेशा से एक स्टार बनना चाहता था एंड बिग बॉस ने मुझे एक बहुत बड़ा चांस दिया। सलमान भाई ने मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने आप को लोगों के आगे प्रेजेंट कर सकूं एंड आई थिंक बहुत सक्सेसफुल हुआ मैं उसमें। लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी। अभी भी जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मुझे पुनीश भाई कह के एड्रेस करते हैं। भाई भाई वाला नहीं, प्यार वाला भाई। लोग मुझसे इतना कनेक्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं मुझसे और मुझे टीवी पे देखना चाहते हैं। मेरे फैंस मुझे रोज़ रिक्वेस्ट भेजते हैं कि प्लीज़ पुनीश, वी वांट टू सी यू ऑन टीवी। एंड उन्हीं की नहीं, मेरी भी बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं किसी अच्छे शो का पार्ट बनूं। एंड दिस शो, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट शोज़ ऑन स्टार भारत एंड सीनियर एक्टर्स लाइक मिस्टर सुदेश बेरी इज देयर इन द शो। सो व्हाट बेटर अपॉर्चुनिटी देन दिस। कैरेक्टर की बात की जाए, लुक से तो काफ़ी एक स्टड वाला एक नेगेटिव कैरेक्टर दिखाई जी। आप बताइए। मेरा कैरेक्टर एक नेगेटिव कैरेक्टर है एंड मैं जो मेन इसमें कैरेक्टर हैं सर जी, मैं उनकी फैमिली का एक हिस्सा हूँ, उनकी सिस्टर का बेटा हूँ और अभी मैं उनकी फैमिली में हूँ। और मेरा इंप्रेशन सर जी के ऊपर बहुत अच्छा है कि वाओ, ये तो काम करने वाला लड़का है, इज़ अ सिंसियर गाय। पर अंदर से जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ही कमीना कैरेक्टर है। मैं इनकी जायदाद लूटना चाहता हूँ, मैं इनके बेटे से इनके रिलेशंस ख़राब करना चाहता हूँ और बहुत सारा मसाला डालना चाहता हूँ इस शो के अंदर। सो दैट्स हाउ इट इज़ एंड बहुत ही अच्छी नेगेटिव लीड है ये। ओके, जैसे कि बात की जाए इस शो में आने की, कैसे जर्नी थी आपकी इस शो तक पहुँचने की? देखिए, बिग बॉस ने मेरे लिए काफ़ी कुछ आसान कर दिया। बिग बॉस से निकलते ही मेरे पास बहुत सारे शोज़ की ऑफ़र्स आने लगी, काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउसेस से आने लगी एंड पर मैं बहुत ही चूज़ी रहा। ऐसी नेगेटिव लीड मुझे नहीं ऑफ़र हुई थी अभी तक जो कि इस प्रोडक्शन हाउस से मुझे हुई। एंड ये शो बहुत ही अच्छा चल रहा है और इसमें एक्टर्स भी बहुत सीनियर और बहुत अच्छे हैं, तो आई थिंक ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इसे मैं जाने नहीं देना चाहता था एंड आई जस्ट ग्रैब्ड इट। एक नेगेटिव कैरेक्टर चूज़ करने के पीछे की वजह होगी? वजह तो मैं वो संजय दत्त की मूवी वास्तव, उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और अंदर से नायक नहीं कल नायक हूँ मैं। और मुझे बड़ा मज़ा आता है ये गैंगस्टर रोल्स प्ले करने में और गुंडा बनने में। शायद मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ ऐसा तो एक इच्छा है मेरी, तो रियल में नहीं हूँ तो रील में तो प्ले कर ही सकता हूँ। लास्टली फैंस को क्या कहना चाहोगे? फैंस को मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ वॉच माई न्यू शो एंड मेरी एक्टिंग आई होप आप लोगों को पसंद आए। आपने मुझे एक बहुत बड़ा रियलिटी स्टार तो बनाए है, प्लीज़ अब उसी दर्जे से एक अच्छा एक्टर भी मुझे साबित कीजिए एंड प्लीज़ लाइक माई शो एंड आई विल डू माई बेस्ट एंड प्लीज़ यू गाइज टू। थैंक यू।